आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये क्या है, कितनी सच्चाई, क्योंकि सबको ध्यान है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उस समय किस तरीके से न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि अलग अलग जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो भी दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे थे, अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तो देखिए, तब 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए देश में ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई के ऑडिट के लिए 12 लोगों की टास्क फोर्स बनाई थी। टास्क में देश के 10 मशहूर डॉक्टरों के अलावा 2 सरकारी अधिकारी शामिल थे। इसी दौरान सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए एक अलग से एक ऑडिट कमेटी बना दी थी। 5 सदस्यों की ऑडिट कमेटी थी, इसमें एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल थे। कोर्ट ने देश भर के लिए टास्क फोर्स और दिल्ली के लिए ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय दिया था, जिसके बाद टास्क फोर्स ने दिल्ली के लिए एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दी। इस अंतरिम रिपोर्ट को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के साथ 22 जून को ही शेयर किया था, जिसे लेकर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार की आपत्तियों के साथ इस अंतरिम रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस अंतरिम रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है वो हलफनामा अपने आप में पूरी स्थिति को स्पष्ट कर देता है। आज हम इस ऑडिट रिपोर्ट को जरा डिकोड करते हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेके भारतीय जनता पार्टी एक रिपोर्ट, तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रही है। जिस बात का सियासत ने मजाक बना दिया वो मजाक की बात नहीं। सवाल तो यह है कि दिल्ली के अस्पतालों में लोग ऑक्सीजन बेड के इंतजार में दम तोड़ रहे थे, तब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। सवाल तो ये है कि दिल्ली के अस्पताल ऑक्सीजन के लिए सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा रहे थे, क्या वो कमी मनगढ़ंत थी? सवाल तो ये भी है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो चिंताएं जताई जा रही थी, क्या वो चिंताएं गैर जरूरी थी? ये सवाल उस सियासत से उठे हैं जो ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पर हो रही है। अरे भैया, आप संकट के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते तो सियासी व्यवधान का किस्सा तो मत बनिए। लेकिन उन्होंने वही काम किया और अब एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें जो हुई हैं ये बहुत ही बड़ा पाप है, पाप किया है। ऑक्सीजन की मिसमैनेजमेंट को लेकर और वैक्सीन की मिसमैनेजमेंट को लेकर केंद्र सरकार की काफी निंदा हुई है, और सिर्फ देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है इनकी जो है काफी इसके अंदर जो है निंदा हुई है। अभी खीज है, अब इसको किसी तरीके से किसी के ऊपर डाल दिया जाए ताकि ये कहा जाए नहीं भाई केंद्र सरकार बहुत अच्छी थी, अरविंद केजरीवाल की वजह से जो है पूरा मिसमैनेजमेंट हो गया था। ये नहीं है, वो ये मान नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल इतने सारे लोगों को के साथ टाई अप करके एक कमी क्रिएट कर सके। कमी थी। दिल्ली की ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट फर्जी है या सच्ची है, इस नतीजे पर पहुंचने से पहले ऑडिट रिपोर्ट के बारे में समझना जरूरी है, और जो समझने वाली बातें हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जो ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट फाइल की गई है वो फाइनल रिपोर्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में दायर स्वास्थ्य मंत्रालय के एक हलफनामे का हिस्सा है। ये अंतरिम रिपोर्ट पेट्रोलियम और ऑक्सीजन सुरक्षा संगठन ने तैयार की है, यानी इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ये रिपोर्ट कितनी सही है और कितनी नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट को लेकर सियासी बयानबाजी के बजाय तथ्यों को परखना जरूरी है, और इस रिपोर्ट को लेकर जो तथ्य केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में बताए हैं वो ये हैं कि निजी अस्पतालों ने उन मरीजों के लिए भी ऑक्सीजन की मांग रख दी थी जिनको उस समय ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। ये साबित हुआ है कि कई निजी अस्पताल ऑक्सीजन डिमांड के दौरान किलोलीटर और मीट्रिक टन के बीच अंतर नहीं कर पाए। रिपोर्ट में शामिल डेटा में कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टॉक की जानकारी को शेयर नहीं किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन डिमांड का ये डेटा 10 से 15 मई के दौरान कोरोना संक्रमण के हालात पर आधारित है।
जबकि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का पीक 24 अप्रैल से 2 मई तक का था और इस भयंकर समय का रिपोर्ट में कोई डेटा नहीं है। इन तथ्यों का सीधा सा मतलब ये है कि ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में अभी कई कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना बाकी है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट ही फर्जी है, जैसा कि दिल्ली सरकार का आरोप है। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। लाइए वो रिपोर्ट, कहां है? झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। एक बात साफ हो चुकी है, वो ये कि ये रिपोर्ट गलत नहीं है, लेकिन अधूरी जरूर है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई ऑडिट उप समिति के 5 में से 2 सदस्य भी कह रहे हैं, जिसका जिक्र रिपोर्ट में है। दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भूपेंद्र भल्ला ने रिपोर्ट में नोट लिखा है कि अप्रैल के आखिरी में बेड ऑक्यूपेंसी के आधार पर दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत 625 मीट्रिक टन थी और मई के पहले हफ्ते में ये 700 मीट्रिक टन थी। जबकि समिति के दूसरे सदस्य मैक्स हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ने लिखा है कि 214 अस्पतालों की ऑक्सीजन की खपत के आधार पर पाया गया कि दिल्ली में 490 मीट्रिक टन रोजाना की खपत थी, जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग और गैर कोरोना जरूरत वाली ऑक्सीजन की डिमांड का डेटा शामिल नहीं था। इन तथ्यों के आधार पर 2 बातें समझ में आती हैं। पहली ये कि रिपोर्ट के आधार पर सियासत तो की जा सकती है, लेकिन असलियत में इस रिपोर्ट के आधार पर किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच की एक खींचतान सियासी जरूर है, लेकिन दस्तावेज सियासी नहीं। ये ना तो किसी पार्टी, ना किसी सरकार का घोषणा पत्र है, ना श्वेत पत्र है, ना आरोप पत्र है। ये विशुद्ध रूप से एक कानूनी पत्र है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेशनल टास्क फोर्स ने ये दस्तावेज तैयार किया है, जो सरकार की भूमिका सिर्फ उस हर कार्य की है जो नेशनल टास्क फोर्स से वो दस्तावेज लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने आई है। उस दस्तावेज में क्या है वो सारी चीज़ों का खुलासा तो हो गया, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है, उस पर सरकारों के दावे क्या हैं और प्रति दावे क्या हैं, इसका खुलासा तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी तभी सामने आएगा। संजय शर्मा, दिल्ली।